फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, वो आस्ते आस्ते नीचे गिरता है। तो सारे प्राणी का अलग से फ्रीक्वेंसी होता है, बराबर। तो मान लीजिए आपका फ्रीक्वेंसी गिरते गिरते आस्ते आस्ते मान लीजिए 80 पे आ गया, 100 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज पे आ गया, और 80 हर्ट्ज पे मान लीजिए गौ माता का फ्रीक्वेंसी है, तब क्या होगा, गौ माता के साथ आपका डायरेक्ट टेलीपैथी लिंक हो जाएगा। वैसे करते करते जब आपका मतलब फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं रहेगा, आप जीरो हो जाएंगे, तब आप ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे खुद ही, तब आप इच्छा अनुसार अपने मन को कोई से भी फ्रीक्वेंसी पे ले जाओ, किसी लेवल पे बात करो। मान लो एक टाइगर आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी है 120 हर्ट्ज, तो आप तब आप हाँ, तो इच्छा अनुसार आपका मन को 120 में उठा दो। नहीं, वो जो बोलते थे ना पहले कि साधु प्राणी से बात कर सकते थे, तो ऐसा ही कुछ होगा। इसके पीछे रहस्य बोल के कुछ नहीं है, इसके पीछे यही है कि अपने मन का फ्रीक्वेंसी जब आप कम करते 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 लगभग जीरो में ले आओगे, आपका मन के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाएगा, तब आपका मन आप इच्छा अनुसार कोई भी फ्रीक्वेंसी में ले जाओ, और उस फ्रीक्वेंसी में जिस प्राणी का मन काम करते है उसी प्राणी से आप, उसी प्राणी तब आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाएगा। इसलिए आ रहेगा कुत्ता पीछे पीछे क्या बताओ, कम से कम हम लोगों का तो अभी यही टारगेट है कि साधु महात्मा का फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करे, कुत्ता के नहीं बराबर। जैसे ये बोला जाता है ना कि ये अहिंसा, अहिंसा का ऐसा कुछ नहीं, मतलब आप जो सन्यासी लोग करते हैं, आप जगत को अभय देते हो कि मेरे से जगत का किसी प्राणी का कोई अहित नहीं होगा, मैं किसी को हिंसा नहीं करूंगा। तो जब मुंह से तो बोलना बहुत सरल है, लेकिन जिस दिन आप ये मन से भी करोगे, आपका मन क्या होगा, मतलब हमेशा उस अहिंसा बराबर को ही अपना ब्रेन ध्यान में लगा लेगा वो, और वो उसी का फ्रीक्वेंसी चारों तरफ निकालेगा, मतलब निकलते जाएगा। और बोला जाता है कि हम लोगों का ब्रेन जिस फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसी फ्रीक्वेंसी को वो एक्सेप्ट भी करते हैं, तब क्या होगा, आपके मन से हमेशा अहिंसा का ही सोच निकलते रहेगा, तो आपके पास कोई हिंसक प्राणी भी आ जाएगा तो अहिंसा ही करना है, वो जोन में वो जब आ जाएगा वो भी अहिंसा का जोन में आ जाएगा बराबर। और वो तब इसीलिए वो जो साधु सन्यासी जंगल में बैठते हैं, शेर उसका पालतू बिल्ली जैसे आज के उसको पैर में बैठ जाते हैं, बराबर। इसके पीछे रहस्य बोल के कुछ नहीं है, उसका मन से हिंसा इतना उसने मिटा दिया है, हिंसा के ऊपर वो इतना ही मतलब विजय हासिल कर लिया है, उस जगत के कोई भी प्राणी को वो हिंसा नहीं करते, बराबर। पॉसिबिलिटी है हाँ, वो सबको अहिंसा से नज़र से देखते हैं। और बोला तो जाता है ये कि ब्रह्मांड को आप जिस नज़र से देखोगे, ब्रह्मांड भी आपको उसी नज़र से देखेगा। आप अहिंसा के नज़र से देखो, ब्रह्मांड भी आपको अहिंसा के नज़र से देखेगा। जब कोई इसमें सिद्ध हो जाएगा तब आपका कोई जंगली जानवर भी आपको कोई अहित नहीं करेगा, सांप आके आपके सामने चुपचाप बैठे रहेगा आपको डसेगा नहीं, शेर आके आपका पालतू बिल्ली जैसे पैरों में बैठा रहेगा, क्योंकि आप अहिंसा में सिद्ध हो गए हो। जैसे मतलब वो जो है राजयोग, उसका अभी पूरा याद नहीं है, लेकिन 8 अष्टांग योग इसीलिए बोला जाता है कि जम नियम प्राणायाम बराबर आसन प्राणिधान शायद प्रत्याहार ध्यान समाधि बराबर, ये सब में जब कोई सिद्ध हो जाता है कि जगत संसार पूरा ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो जिसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होगा, जिसके ऊपर उसका शासन नहीं है,